नमस्ते, आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में लिए गए जेंडर इक्वालिटी को लेके कुछ नए स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट, इक्वल पार्टिसिपेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द अमाउंट ऑफ मेन वीमेन पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रू जेंडर बैलेंस। सेकेंड, मिक्स जेंडर इवेंट्स। इस बार ओलंपिक्स में कुछ मिक्स जेंडर इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें मेल एंड फीमेल्स दोनों साथ में कम्पीट करेंगे, जैसे स्विमिंग, एथलेटिक्स एंड जूडो। थर्ड, प्रमोशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स में इस बार ये इंश्योर किया जाएगा कि वुमेन स्पोर्ट्स को भी इक्वल प्रमोशन और मीडिया कवरेज मिल सके, ताकि हर एथलीट को मिल सके इक्वल रिकॉग्निशन। फोर्थ, लीडरशिप रोल्स। इस बार ओलंपिक कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन टीम दोनों में ही जेंडर बैलेंस इंश्योर किया जाएगा। इसके तहत वुमेन लीडर्स अपने न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज इंट्रोड्यूस कर पा रही हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। आई एम मनीष कुमार मंडल, अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी।